जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ के जांबाज ग्रुप की। दोस्तों वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप अपने इस चैनल सीडीएस 360 पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलें फिर वीडियो शुरू करते हैं। सभी सेना दल, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स ने अपने स्पेशल कमांडो का गठन कर रखा है किसी भी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ऐसे ही सीआरपीएफ के जांबाज कमांडोज हैं कोबरा कमांडोज, जिन्हें दुनिया कोबरा कमांडो के नाम से जानते हैं। जैसे हमारी देश की सेनाएं एक्सटर्नल ऑपरेशन में महारत हासिल रखती हैं, ऐसे ही इंटरनल ऑपरेशन में, यानी के देश के किसी भी हिस्से में बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचाने की काबिलियत कोबरा कमांडो में होती है। और साथ ही साथ ये कोबरा कमांडो जंगल वारफेयर में भी महारत हासिल रखते हैं। ये सीआरपीएफ की स्पेशल टास्क फोर्स है। ये टेररिस्ट और माओवादियों का खात्मा बहुत ही चलाकी से करते हैं। आतंकवादी और माओवादी कोबरा कमांडो का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। कोबरा कमांडो का गठन 12 सितंबर इनके विद्रोही आतंकवादी और नक्सलवादियों के खात्मे के लिए किया गया और इन्हें खत्म करने की मंजूरी दी गई। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में स्थित है और ये ग्रुप होम मिनिस्ट्री के अधीन होता है। इन्हें बीआईपी और बीवीआईपी की सुरक्षा के लिए भी नियुक्त किया जाता है और इनकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन कोबरा कमांडो को यूएस मैरीन कमांडो की तर्ज पर बनाया गया था, पर ये कमांडो अब अपने बहादुरी के दम पर यूएस मैरीन कमांडो से काफी आगे निकल चुके हैं। इस ग्रुप का मोटो है संग्राम में पराक्रमी जय, यानी के विक्ट्री फॉर ग्लेंट्री वॉर। इसके गठन से पहले यूएस मरीन कमांडो में सर्जिकल स्ट्राइक, इन्फिल्ट्रेशन, रेड, रेड ऑन हाईडॉट और उनके काम करने के तरीकों की जानकारी हासिल की गई थी। ये कोबरा कमांडोज जंगल में बिना किसी हेल्प में 2 हफ्ते तक सरवाइव कर सकते हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं। इन कोबरा कमांडोज को हर ऑपरेशन में महारत हासिल है। हर तरह के वेपन्स, इक्विपमेंट्स, आईडी, एमिनिशन और हर प्रकार के उपकरणों को इस्तेमाल करने में महारत हासिल है। ये कमांडो दूसरे कमांडो से अलग होते हैं। यह 2 वीक तक बिना किसी मदद के जंगलों में ऑपरेशन करते रहते हैं और ये जंगल वारफेयर के साथ साथ गुरीला वारफेयर में भी माहिर होते हैं। इन कमांडो ने मिजोरम, छत्तीसगढ़ के दुर्गम जंगलों में कई बड़े से बड़े मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिनसे नक्सलवाद की कमर टूट गई। ये हर जुंट से चुने हुए नंबर 1 सोल्जर होते हैं। ये अब जितने भी नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, इन सबको कोबरा कमांडो ही अंजाम दे रही है। ये आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और ये दुश्मन द्वारा लगाए गए एम्बुश को पूरी तरह से काउंटर एम्बुश करके बर्बाद करने में महारत रखते हैं। यानी अगर दुश्मन इनके ऊपर घात लगाकर हमला करता है तो ये उसे वहीं ढेर कर देते हैं। ये कमांडो 9mm पिस्टल से लेकर सभी आधुनिक हथियार शामिल 84mm रॉकेट लॉन्चर, 7.62mm मीडियम मशीन गन तक शामिल होते हैं। ये इन सब में मास्टर होते हैं। इनकी ट्रेनिंग बेलगांव कोरापुट में स्थित सीआरपी जंगल वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल में होती है। इनके जंगल और गली कूचों की लड़ाई में दुश्मन का सामना करने में महारत हासिल होती है। इनकी ट्रेनिंग 90 दिन की होती है। जो जवान इसे क्लियर करता है उसे ही कमांडो की कैप और पोस्टिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में हर जवान को 7 दिन की जंगल ट्रेनिंग को पास करना जरूरी होता है। इस ट्रेनिंग की बदौलत ये कमांडो जंगलों में 11 से 12 दिन तक ऑपरेशन कर सकते हैं। ये कमांडो अपने साथ 22.5 kg वेट लेकर लगातार 12 रातों तक जंगल में गुजार सकते हैं। कोबरा कमांडो ने अब तक जो बड़े से बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया है उनका ब्यौरा इस प्रकार से है। 17 सितंबर 2009 को दांतेवाड़ा का सिंगमदमो में 30 से 40 माओवादियों का खात्मा इन कमांडो द्वारा ही किया गया। 9 जनवरी 2010 को दांतेवाड़ा में ही जगरगुंडा में 4 नक्सलवादियों को मारा और 1 से 20 तक आधुनिक वेपनों को पकड़ा। 15 जून 2010 सिंहभूम झारखंड में 203 कोबरा बटालियन की 18 टीम द्वारा माओवादियों को कैंप में घेरकर मारा और उनके कैंप को नष्ट किया। 23 नवंबर 2016 को 209 कोबरा बटालियन ने झारखंड के लातेहार में 6 माओवादियों को मार गिराया और बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। इस ऑपरेशन में कमांडर प्रमोद कुमार शहीद हुए और उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। सब इंस्पेक्टर रियाज आलम और असिस्टेंट कमांडर विकास जाखड़ को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों आपने देखा कि हमारे वीर कोबरा कमांडो किस तरह से दुश्मन को आखिरी मंजिल तक पहुंचा के दम लेते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, वे पीछे नहीं हटते। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल सीडीएस 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।